गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस एंड व्लॉग। गाइस काजल भी उठ चुकी है, जल्दी बोलो। हेलो गाइस। तो देखो आपने काजल जितनी बार आपको काजल को जितनी बार व्लॉग में वो किचन में मिलते हैं क्योंकि खाना वाना ज़्यादातर वही बनाती है, तो आज का व्लॉग आपके लिए बहुत मज़ेदार होगा, आप वीडियो में देखना। मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। विशु से मिले, विशु उठ चुका है, गुड मॉर्निंग बोलो। और गाइस विशु कर रहा है नाश्ता, तो देखो पराठे चटनी मलाई, इनको भी करा दिया नाश्ता। रेडी हो गया किट्टू, नहा लिया आप? हाँ। सुंदर कपड़े पहने आपने, फ्रॉक, घूम के दिखाओ। वाओ, नाश्ता कर लिया आपने? हाँ। और कियांश क्या कर रहा है? कियांश सुन रहा है। आपके डैडी भी आया? हाँ। अच्छा बाय कर दो कि थोड़ी देर में मिलेंगे गाइस। बाय, थोड़ी देर में। नाश्ता करने के लिए मेरा तो गाइस लड़के देखो मेकअप कितनी सुखी बिंदी लगा ली इसने हमारे यहाँ से उठा के। अरे अभी कह रही मेरा मेकअप कर दो भाई, अभी काम करेंगे क्या? पहले काम करेंगे फिर मेकअप होएगा? ना नहीं, मेकअप करके कहाँ जाओगे आप? मेकअप करके डैडी रूम पे जाओगे। जाके डैडी रूम पे कंजरी। गाइस मैं बैठ चुके अभी नाश्ता करने, नाश्ता कर लो आज सबके साथ। नाश्ता रेडी मेरा, ये लिखो कैसे लड़ रहे हैं, बस ये भी फोन चलाना। क्या गंदा हुआ हुआ है, अभी ना बस सफाई में लगता है, सारा साफ वाफ करेंगे, सारा काम करेंगे, फिर मैं आपको मिलूंगी थोड़ी देर। तो गाइस काम वाम सारा ख़त्म कर लिया, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मैं लेटती हूँ दवाई लेके, अभी थोड़ी देर में नहाऊंगी मैं। तो गाइस मैं फ़िलहाल फेस पैक बना रही हूँ घर पे ही, होममेड जो फेस पे लगाने के लिए, मैं फिर जाती हूँ तो वहाँ पे बहुत धूल मिट्टी रहती है, तो यार फेस ने मेरा बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रखी है, ड्राई स्किन हो रखी है, तो मैंने फेस पैक तैयार कर लिया, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस देखो मैंने फेस पैक तैयार किया, इसमें मैंने दही, बेसन और नींबू का रस और थोड़ी सी टर्मेरिक पाउडर में हल्दी ऐड की है और उसके अच्छे से मिक्सर बना लिया है, देखो कितना स्मूथ बना है। अभी उसको फेस पे अप्लाई करेंगे 10 मिनट के लिए, फिर जब सूख जाए तो मैं सादे पानी से अपना फेस वॉश कर लेंगे, तो आपको ना बहुत अच्छा रिजल्ट। ये लड़की शैतान आली हमारे घर की, इतनी मस्ती करने, सारी चादर अदर इकट्ठी कर दी, काजल बचाएगी तेरा, जल्दी जल्दी कर दे, सारे तक वहीं रख दें। फेस पैक अप्लाई कर लिया है, तो आप चाहे तो इसको गर्दन पे, हाथ पे और फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, पर मैंने सिर्फ फेस पे और गर्दन पे ही किया है। अब इसको 10 मिनट बाद सादे पानी से धो लूँगी, फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो गाइस जैसे कि आज मैंने बोला था ना कि आपके लिए मज़ेदार व्लॉग बनाना, तो आज मैं बहुत दिनों बाद कुछ स्पेशल खाने के लिए बना रही हूँ, चिली पटाटे। तो मैं उसके लिए सब मिक्सर तैयार कर रही हूँ, आलू, शिमला मिर्च, प्याज वगैरह, तो मैंने अभी काट के मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने ये सूखने वाला था, इसको फिर मैं धोऊँगी। आलू ले लिए हैं, आप लंबे आलू ले सकते हो, मेरे पास ये थे, मैंने ये ले लिया, मैं इनको काटने जा रही हूँ। मैंने आलू छील लिया, अभी मैं इनको बस काट दूँगी शेप में, फिंगर चिप्स की तरह लंबे लंबे छील लिया, मैं इनको काटूँगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ लंबी लंबी शेप। फेस वॉश कर लिया सादे पानी से, बस मैं नहाने जाऊँगी, देखो थोड़ा थोड़ा ना आपको फ़र्क लगेगा अपनी स्किन पर, तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। मैं मिलती हूँ। मैंने सब कुछ काट के रेडी कर दिया, देखो मैंने कितने भारी भारी थोड़े मोटे मोटे इनके पीस बना लिया, और ऐसे शेप वाले मैंने प्याज काटे और बारीक ही मैंने शिमला मिर्च काटी है। अब मैं बनाना शुरू करूँगी थोड़ी देर में। सबसे पहले मैं नहाने जा रही हूँ, मैं नहा के आऊँगी, उसके बाद मैं बनाना स्टार्ट करूँगी चिली पटेटो। यहाँ पे आ चुका है गोलू। यार तुम इसके कपड़े कहाँ चढ़ा लेते हो डेली? ये आ जाता है, ये आ जाता है। हैं गंजे, गंजा, उसके बाल कट जाएंगे गंजे के, कल को जाएगा गंजा सच्ची में। गाइस देखो हमने इसका क्या बना दिया, गोले चुम्मे का। मेरा फोन देना। सब ना के रेडी हो चुके हैं। रेडी किस लिए? मैंने ऐसे ही आलू डाल लिए इसमें, ऐड करेंगे, मैं इतना कर दूँ, आप अपने मतलब थोड़ा ही करना है क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं करना, जिससे कि सारे इसमें थोड़े अच्छे से लिपट जाए। थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दो, आप कर भी सकते हैं फिर बाद में, पर मैं इसमें डाल देती हूँ कि थोड़ा, जिससे कि हमारा अच्छा टेस्ट आए। ऐड करूँगी, अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। देखो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब मैं इसको फ्राई करूँगी कढ़ाई में। तो गाइस देखो मैंने अच्छे से कर दिया है, और अब तो गाइस कढ़ाई रख दिया, मैंने इसमें डाल दिया रिफाइंड, अब ये गर्म हो जाएगा फिर हम इसको फ्राई करेंगे। देखो मैं ऐसे फ्राई कर लूँ, मैंने हल्के फ्राई करके निकाल लिए है, अब मैं इनको एक बार जब सारे फ्राई जाऊँ तो दोबारा से इनको एक बार कढ़ाई में डाल के फ्राई करके निकाल के फिर इनकी ग्रेवी तैयार करके तब ये बनेंगे। एक एक करके डाल देंगे और धीमे धीमे मतलब स्लो फ्लेम पे इसको कर लेंगे।
ट्राई। तो गाइस मैं खड़े खड़े तक चुकी थी, मैं स्लेब पर ही बैठ गई हूँ। देखो ये सब रेडी हो चुके हैं, इनको हम अलग अलग कर रहे हैं क्योंकि ना ये मतलब जब बनाते हैं ना फ्राई करते हैं तो ये चिपक जाते हैं आपस में। गाइस इसमें प्याज डाल दिए हैं, अभी इन्हें फ्राई करेंगे हम। इनको हम हल्के पिंक होने तक फ्राई करेंगे, जब ये थोड़े हल्के पिंक हो जाएंगे फिर हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दिया, अब इनको फ्राई कर लेंगे हम अच्छे से। थोड़ी ये दोनों साथ में फ्राई हो जाएंगे इसलिए मैंने अभी डाल दिया। गाइस अब इसमें स्वाद अनुसार नमक गिर रहे हैं हम अपने हिसाब से, मतलब ज़्यादा कम अपने हिसाब से रख सकते हैं। और चिली पेपर गिर रहे हैं। स्वाद अनुसार देंगे ऐड कर देंगे और फिर हम इसको सब अच्छे से चला लेंगे और फ्राई कर देंगे। अब हम इसमें क्रीम चीज़ ऐड करेंगे। गाइस हमने इसमें ग्रीन चिली सॉस गिर दिया, अब इसे फ्राई कर देंगे। कर देंगे गाइस हमने इसमें ग्रीन सॉस ऐड किया और अब हम रेड सॉस ऐड करेंगे। अब अपने हिसाब से कर सकते हो, मैंने ग्रीन सॉस थोड़ा कम किया, रेड थोड़ा ज़्यादा किया है। तो गाइस ये मेरे घर की बनी हुई है तो मैं इसमें एक चम्मच थोड़ी सी ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी बन रही है, ये कितना अच्छा कलर आया है गाइस इसका, रेड कलर बिल्कुल। ये हमने मैदा और पानी का घोल तैयार कर लिया है, अब इसमें डालेंगे ग्रेवी के लिए। देखो हम इसमें ऐड कर देते हैं ये और धीरे धीरे चलाते हैं। देखो मैंने सारा डाल दिया, मैं इसको अब चला लूँगा अच्छे से। अभी थोड़ी देर में खुद अच्छे से हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लो, डाल छोटी छोटी डाल पानी ला, इस गिलास से डाल। सही है, हाँ ये मैंने इसके जगह रखी थी क्योंकि टाइट होने लगी, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। जब तो कहते हैं मैदा बहुत कम होना चाहिए, इसमें ये ऐड कर देंगे पोटैटो और धीमे धीमे चल। देखो 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 धीमे धीमे कर दें इसको ऐड। तो वैसे हमें सारे डाल दिए, अब इसको हम अच्छे से चला देंगे, दो बार चला देंगे पकड़ ले से कि तो गाइस देखो चिली पोटैटो हो गया रेडी। गाइस देखो चिली पोटैटो है रेडी खाने के लिए, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब खा के देखते हैं कि कितना टेस्टी बन गया। कैसे बना निशा, कैसे बने किट्टू आ जाओ, आप आ गए, चीज़ खाओगे तो सबको। गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है खाने में चिली पोटैटो एकदम।